मेरा पहला स्टार परिवार अवार्ड है और मुझे ऑलरेडी बहुत मज़ा आया है। सो बाकी तो और ज़्यादा कुछ बताऊँगी नहीं, आपको देखना पड़ेगा बड़ा। और थैंक यू, आई थिंक डिज़ाइनर ने बहुत बढ़िया काम किया है। आई थिंक एवरी वन जो स्टाइलिंग टीम में इतनी थी, आई थिंक सब ने बहुत बढ़िया काम किया है। वेरी हैप्पी विद माई लुक। बाकी आप लोग बताइए मैं कैसी लगी। सो दिस इज़ एक्चुअली माई फर्स्ट स्टार परिवार अवार्ड्स एंड आई एम रियली एक्साइटेड। इट्स द वे दे हैव अरेंज्ड एवरीथिंग इज़ डैम ग्रैंड एंड आई डिड परफॉर्म ऑल्सो येस्टरडे, सो आई एम एक्साइटेड टू सी माई परफॉर्मेंस ऑन टेलीविजन एंड ऑल्सो पीपल्स रिएक्शन, स्पेशली माई फैमिली। आई थिंक द फैक्ट दैट यू आर सेइंग कि थोड़ा अलग लग रहा है, सो दैट मीन्स आई हैव अचीव्ड व्हाट आई वांटेड टू अचीव। आई वांटेड दिस लुक टू बी अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम काश्वी'स लुक, सो थैंक यू सो मच। लग रहा अकेला अकेला? नहीं नहीं, बिल्कुल पूरी पूरी। आई फाउंड हर। या बट हमारे पार्टनर साथ ही हो गए, आई थिंक। हां, फैशन के बारे में ज्यादा मुझे सेंस है नहीं, सो आई जस्ट बिलीव माई स्टाइलिस्ट जो भी करता है मेरे लिए बेटर करता है एंड ट्राइज टू मेक मी लुक रियली कूल। तो उन्होंने मुझे अटायर दिया एंड आई एम रियली ग्लैड कि मैं ब्लैक में हूँ, बिकॉज ब्लैक आई रियली लाइक दिस कलर। सो ओके, दिस इज़ द लुक। ओके, सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ टू बी हियर एंड मैं ऑफकोर्स तितली मेरा नाम है तो मुझे बटरफ्लाई बनाया गया है आज, तो आई एम सुपर इम्प्रेस्ड बाय माई लुक। तो सबसे हटके है और किसी को गेस करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ क्योंकि मैं तितली हूँ। बेस्ट पत्नी और भी कैटेगरीज हैं, बेस्ट मोस्ट स्टाइलिश मेल एंड फेवरेट नया सदस्य, वी बोथ आर नॉमिनेटेड फॉर दैट। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, 5 साल के बाद स्टार परिवार अवार्ड्स हो रहा है और हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि जब ये अवार्ड्स फिर से दोबारा स्टार्ट हो रहा है उसी वक्त हमने भी मतलब यू नो हमने नई शुरुआत की है सेकेंड सीज़न की ऑफ घूमें किसी के प्यार में। सो वी आर क्वाइट फॉर्चुनेट एंड आई थिंक वी आर ब्लेस्ड ऑल्सो कि हमें स्टार परिवार अवार्ड्स करने का मौका मिल रहा है और डांस करने का मौका भी मिल रहा है। चैलेंजिंग था बट प्रेशर नहीं कह सकते, इट वॉज चैलेंजिंग एंड वी वर एक्साइटेड, राइट? एक्चुअली प्रेशर डेफिनेटली होता है मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि एक ऑलरेडी एक बैगेज होता है पुराने शो का जो आपको वेट कैरी करना होता है और अगर आप वो नहीं कैरी करो तो आपको बुरी तरीके से पछाड़ दिया जाता है और आपके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लग जाते हैं। लेकिन गॉड की ब्लेसिंग थी हमारे साथ और थैंकफुली बाय गॉड्स ब्लेसिंग हम लोग अच्छा कर पा रहे हैं। और बस मैं थैंक्स कहना चाहूँगा हमारे स्टार्स को, हमारे शो के स्टार्स को जो सेकंड सीजन में भी हमें ऑडियंस का उतना ही प्यार मिल रहा है जितना पहले मिला था। मैं नहीं बताऊँ, हम तो अच्छे लग रहे हैं बट आई थिंक ये इनको पूछो आपके हम कैसे लग रहे हैं। ये क्या बात हुई, आप बताओ हम कैसे लग रहे हैं। देखो भगा दिया, नहीं बताना मत बताओ, इनको पूछो उनको पूछो, तुम निकलो दूसरे आर्टिस्ट आ रहे हैं। ये दोनों ऑब्वियसली इतनी खूबसूरत लड़कियां मेरे सामने इतने अच्छे अच्छे कपड़ों में खड़ी हैं कि मेरे पसीने छूट रहे हैं यहाँ पे, दे आर सो हॉट। इन्होंने बहुत ही अच्छा सीक्वेंस ब्लेजर पहना है और बहुत हैंडसम लग रहे हैं। हाँ। जो इनके हाथों को छील चुके हैं बहुत बार। हाँ। वो अवार्ड मैं खुद ले लूंगा। ये अच्छा था। वेरी मच एक्साइटेड, दिस इज माई फर्स्ट अवार्ड शो, एक्चुअली सेकेंड अवार्ड शो। फर्स्ट अवार्ड शो मेरा कोई और था जिसमें वी केम टू इंट्रोड्यूस आवर शो, तो अभी दिस इज आवर सेकेंड एंड वेरी एक्साइटेड, माई लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, तो अच्छा लग रहा है। थैंक्स। 1.5 घंटा तो लगा होगा रेडी होने में बट दिस होल लुक हैज़ बीन गिवन टू मी बाय द स्टार एंड ओनली एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड दैट दे डिसाइडेड दिस लुक फॉर मी एंड आई एम वेरी हैप्पी। दोनों बहनें अभी बहनों में तो बहुत लड़ाइयाँ हो गई है एंड एक्चुअली बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई है दोनों के बीच में एंड गलत दोनों में से कोई भी नहीं है बट सिचुएशन ऐसे हो गए हैं कि साइबा बहुत डिग्निटी वाली है, अंगद बहुत प्यार करता है, लेकिन बिकॉज ऑफ दोज मिसअंडरस्टैंडिंग्स दोनों ने अपना अपना डिसीजन लिया है एंड होपफुली कभी आगे जाके मिलेंगे तो देखेंगे। सीरियल इज ऑल अबाउट ड्रामा। अंगद इस बार मनाएगा ही नहीं, गुस्सा आ गया, मुझे ईगो पे आ गया, बात बात पे चली जाती है, गुस्सा हो जाती है, तो कितनी बार ईगो कितना है इसमें, मैं नहीं मनाऊंगा। मैं क्यों मनाऊंगी, मेरी बहन को प्यार करती है। ईगो है इसमें, डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके फाइन, सो देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ द कैरेक्टर्स और उस वजह से दोनों एक दूसरे से गुस्सा हैं। सो लेट्स सी आगे क्या होता है, कौन पहले अपनी ईगो को नीचे करके बात करता है, उसके लिए आप देखिए हमारा शो। तेरी मेरी डोरियां शाम 7 बजे। या आफ्टर 5 इयर्स और मेरा पहला स्टार परिवार अवार्ड है ये, दो आई हैव वर्क्ड विद देम बिफोर बट यस वेरी एक्साइटेड। आई थिंक तुम लोगों का भी पहला ही होगा। हाँ बिल्कुल, ये तो हमारा भी स्टार पहला स्टार परिवार अवार्ड है और
बहुत एक्साइटेड है परफॉर्मेंस के लिए, देखने के लिए. गुड, आई एम गुड. या एक्चुअली मुझे नहीं मालूम है कि कितनी नॉमिनेशंस में है, बट दो तीन पता है. पति आई थिंक पता है मुझे, एंड दे वर सेइंग कि स्टाइल आइकॉन और समथिंग लाइक दैट. तो आई डोंट नो और कितने हैं. हां मतलब थोड़ा स्पेशल टाइप का कैटेगरी सिलेक्शन है और नॉमिनेशन है जो हमें खुद ही नहीं पता. सब अभी वहीं देखेंगे. व्हाट वी आर एक्साइटेड अबाउट इज द परफॉर्मेंस. मेरी भी एक लाइव परफॉर्मेंस है, इन लोगों की भी परफॉर्मेंसेस हैं, और मैं चाहता हूँ कि लोगों को पसंद आए, सब देखें. एक्साइटेड. थैंक यू सो मच. एक्चुअली मैं कीरत का जो कैरेक्टर कर रही हूँ उसके हिसाब से फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम ड्रेस्ड अप कम्प्लीटली गर्ल लग रही हूँ मैं आज प्रॉपर. एंड वरना मुश्कंडे में ही देखा होगा आप लोगों ने मुझे, वो जो टी शर्ट और जीन्स का मेरा कैरेक्टर लुक. या राइट. So I'm so happy and the dress is so pretty. I'm so confident. I'm looking so pretty. And yes, this is for the first time we are performing also. Veer and me are performing together. So I'm so excited about that. And mera bhi ye pehla award function bhi hai. And Star Parivar ka awards hai. So yeah, I'm so excited. Main bahut 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 excited hoon. क्योंकि मेरा ये पहला शो है और मुझे सिर्फ 2 साल हुए हैं और स्टार परिवार ने मुझे अपने परिवार में इतना प्यार से वेलकम किया है और बहुत 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 मज़ा आ रहा है. वैसे तो सिर्फ मैं ये रिश्ता के परिवार से हमेशा जुड़ी रहती हूँ, पर ये बार एक्चुअली स्टार परिवार इतने टाइम बाद हो रहा है और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि स्टार प्लस के सारे परिवार के साथ मिलने का और रहने का, सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा. तो मैं बहुत 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 एक्साइटेड. बहने हाँ, मैं तो बहुत पहले लड़ती थी, बहुत टाइम हो गया उसके. नहीं अभी अभी ऐसा तो कुछ है नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है. अभी तो जो भी चल रहा है बहुत मज़ेदार ही चल रहा है. अभी सेलिब्रेशन दिखा रहे हैं, जन्माष्टमी दिखा रहे हैं. अभी ड्रामा देखते हैं क्या आएगा, मुझे भी नहीं पता, बट जो भी आएगा बहुत ही मज़ेदार होगा जैसे हमेशा होता है. तो बहुत मज़ा आएगा. और ये रिश्ता तो आप देखते ही रहते हैं, पर अब स्टार परिवार अवार्ड्स देखेगा हम सबको एक साथ, बहुत मज़ा आएगा. लेट्स एंजॉय दिस इवनिंग टुगेदर. रियली वेरी एक्साइटेड. बहुत टाइम के बाद स्टार परिवार अवार्ड हो रहा है एंड आई एम फीलिंग रियली ब्लेस्ड टू बी हियर एंड आई जस्ट वांट टू एंजॉय द इवनिंग. येस, यू कैन सी माई नेल्स. एक्चुअली इन आर शो वी ऑलवेज प्ले विद पेस्टल कलर्स. येस, नहीं टाइम मिलता है कुछ डिफरेंट ट्राई करने का. ब्लैक तो हम पहन ही नहीं सकते अपने शो में, और रेड नेल पेंट तो बिग नो, बट दिस टाइम आई गॉट द अपॉर्चुनिटी सो आई एम प्लांटिंग इट. वो सस्पेंस है वो आपको अंदर जाके पता चलेगा. या सो दिस इज माई फर्स्ट स्टार परिवार, सो आई एम डेफिनेटली वेरी वेरी एक्साइटेड. इट्स रियली रियली अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू बी यू नो अ पार्ट ऑफ स्टार परिवार. सो आई एम डेफिनेटली वेरी एक्साइटेड. काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. एज यू कैन सी आई एम वेयरिंग रेड because star is red and mera character name is Mrunal Karmarkar. I'm part of Baatein Kuch Ankahi Si and I'm excited to meet everybody. Sab log andar hai, main thodi si late hu to bas. ha bahut excited hu, andar jaungi, sabse milungi. main bahut excited hu. ye mera pehla star parivar hai aur pehli baar main nominated hu. puri ummeed hai ki mujhe award milega. aur main hu pangebaz category ke liye, negative role ke liye. I hope, फिंगर्स क्रॉस्ड. और पहला अवार्ड है, सो यस एक्साइटेड. तो ये मेरा शो का लुक है जिसमें मैं एक टैटू लेता हूँ और पहनता हूँ, वेयर करता हूँ, और यहाँ पे एक इयररिंग जैसे आप देख रहे हैं, और ये मुझे मेरी फ्रेंड ने स्टाइल किया है, सलोनी ने. तो ऐसा ही कुछ मेरा शो में लुक है और ऐसा ही मेरा शो में कुछ कैरेक्टर है. परफॉर्मेंस इस बार तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर. इस बार स्टेज पे जाते हुए अवार्ड लेते हुए तो ज़रूर देख सकते हैं आप. या तो हमें अभी परिवार में एंटर हुए सिर्फ 1.5 महीने हुआ है और आई एम वेरी एक्साइटेड कि सारे परिवार को जानने का मौका मिलता है. एंड या सो सारे परिवार को जानने का मौका मिलता है एंड या आई एम वेरी एक्साइटेड. परफॉर्मेंस भी बहुत ही ब्लॉकबस्टर हुआ है. नताशा परफॉर्म रियली वेल एंड आई एम प्राउड ऑफ हर. या Actually, I am too very excited because from watching the Star Parivar Awards and then being a part of it is like very magnificent to me. So yeah, I'm very excited. हमेशा ये होता है ना कि लीप के बाद लोग कम एक्सेप्ट करते हैं न्यू कास्ट को, लेकिन आई वॉज कंसर्न अबाउट इट. लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, दे स्टार्टेड लविंग अर जोड़ी दैन मतलब इंडिविजुअल नवल. हाँ, इंडिविजुअल किसी भी एक्टर से ज़्यादा वो लोग जोड़ी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं. सो आई एम हैप्पी फॉर देयर रिस्पॉन्स एंड उसी मोटिवेशन के साथ वी आर परफॉर्मिंग रियली वेल एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट. आई कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल. आई वाज एक्चुअली गोइंग टू से कि स्टार परिवार 5 साल बाद आ रहा है. सुपर सुपर एक्साइटेड एंड जस्ट वेट एंड वॉच कि कौन कौन परफॉर्म करने वाला है. मैं सबकी परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा हूट करना चाहता हूँ.
आई थिंक अनुपमा हैज़ ऑलवेज बिन नोन फॉर इट्स ट्विस्ट्स एंड टर्न्स. अगर वो सारे ट्विस्ट एंड टर्न मैं आपको बता दूंगा तो आप लोग देखेंगे क्यों. बट येस, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं अनुपमा में. एज़ यू वेरी वेल सेड, पाकी किडनैप हो गई है. अब पाकी जब किडनैप हुई है या एक्चुअली मस्ती में खुद चली गई है, इसके लिए हमें आगे के एपिसोड्स देखने पड़ेंगे. Of course, this is my first award function, so I'm very much excited. And yeah, जैसे आपको सबको पता है कि स्टार परिवार अवार्ड हमेशा से हर चैनल का सबसे बेस्ट अवार्ड फंक्शन होता है, तो of course, I'm super excited. I'm very much excited. I've been nominated, and Star Parivar has always been very special. And this is happening after 5 years, so yeah, looking forward for it. I would say thank you so much for all the love. जितना आप अभिनव को मिस कर रहे हैं उतना अभिनव भी आप सबको मिस कर रहा है. But good things comes to an end. But I'll be back soon with some other project. And thank you so much for all the love you guys have given for Abhinav. Oh yeah, I'm really very excited today because I'm attending this after I had done a show for Star some about 8-9 years ago called Bidai, and I think that was the time last time when I attended Star Parivar Awards, some I think 2010 or 11. All the 3 years or 4 years I was attending regularly. Then there was no awards night, but today and tonight is going to be a very special night because we all my star cast of Teri Meri Doriyan, I was looking forward to attend this, and I was more excited because this is my third time I'm coming here, third or fourth time, and because you're attending this after a long gap, so it's really very very exciting, and hope to see something great inside. Feelings badi achhi hain, jaise cooperative housing society hoti hai us tarah ki feeling hai. फीलिंग बहुत अच्छी है, बड़ा प्यार मिल रहा है, हम भी प्यार देना चाहते हैं, ऑडियंस का प्यार मिल रहा है, हमें फेम मिल रही है, हम मशहूर हो रहे हैं. यार एज एक्साइटेड एज ऑलवेज फॉर स्टार परिवार, एंड ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ स्टार परिवार दिस ईयर एज वेल, एंड माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ देम, दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग, दोज हु आर नॉमिनेटेड, एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, द एंटायर स्टार परिवार. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ. Because this is for the first time I'm coming for Shah Parivar, because I was not part of Shah before. Very excited. This has been a dream to be a part of this, though we are not nominated, not getting any awards, but you know, our show is very very new and people are loving it. We're very happy to be here. बहुत 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 ज़्यादा excited हूँ यार. Star Parivar Awards मैं पहली बार attend कर रही हूँ Star Parivar Awards, so obviously it's very excited, and specially coming for Pandya Store, it's really nice. I'm really grateful. I think Pandya Store meri life ka sabse khoobsurat safar tha, bahut khoobsurat journey thi. It was a beautiful thing for me, and coming and cheering for them, coming for that project, I think it's really nice. Thank you. I think I'm attending Star Parivar Awards for the first time. Iske pehle maine Zee Award function attend kiya, lekin ha lockdown mein बहुत मिस किया अवार्ड फंक्शंस को, तो 5 साल के बाद जो भी अवार्ड फंक्शन आया है और मुझे इनवाइट मिला है, सो आई एम लाइक रियली वेरी एक्साइटेड. एंड सी आई हैव ड्रेस्ड अप, यू कैन सी माय एक्साइटमेंट इन माय ड्रेसिंग इटसेल्फ. बहुत एक्साइटेड हूँ, ये मेरा पहली बार है स्टार परिवार अवार्ड में आना, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. बहुत मजा आने वाला है, आई एम श्योर. ऑफ कोर्स वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड, और वो सब आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है वो दिख रहा है, सो डेफिनेटली अ गुड जॉब, एंड अंदर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड भी है. एक्साइटेड तो बहुत है, एंड कहना यही चाहेंगे कि वेलकम बैक. एंड स्टार परिवार जैसे नाम से ही पता चलता है कि इट्स लाइक अ फैमिली थिंग, परिवार वाली चीज़ है, तो एक्साइटमेंट भी उतनी है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हम अपने एक्चुअली परिवार से मिलने जा रहे हैं अंदर, एंड फैमिली फंक्शन जैसा होता है वैसे. फैंस को आई लव यू टू कहना चाहूँगा, बिकॉज दे लव मी सो मच. एंड हाँ, शो पसंद कर रहे हैं, वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, एंड इट्स बीन मतलब आई थिंक 3 साल हो चुके हैं, 3 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, वी आर स्टिल नंबर वन, एंड ये सिर्फ आई थिंक फैंस की वजह से है, तो थैंक यू सो मच. 5 साल बाद फाइनली लॉकडाउन के बाद में, लाइक आई थिंक लाइक एज एन ऑडियंस जब मैं टीवी के इस तरफ बैठता हूँ व्हेन आई एम नॉट परफॉर्मिंग, तो दैट इज़ वंश परिवार शो, लाइक द अवार्ड फंक्शन जो पूरा हिंदुस्तान देखना चाहता है, और 5 साल बाद मतलब 5 साल की कसर इस बार निकलेगी, एंड I'm really happy that I'm a part of this space show, and looking forward. आप लोग जितने excited हैं उससे ज़्यादा excited हम लोग हैं.
this is my first time, so I'm really excited and nervous at the same time, but hopefully I'm going to enjoy a lot. मुस्कान को अभिनव भाई जी की कितनी याद आती है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं सब देख ही रहे. बाकी आगे की ट्विस्ट और टर्न्स जो भी है वो तो राइटर्स और मेकर्स जानते हैं, सो उसको बताने वाली मैं कोई नहीं होती हूँ. लेकिन आगे की कहानी जानने के लिए आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है 9:30 स्टार प्लस पे देखना पड़ेगा. बहुत खुशी है हमें कि बीच में कोविड की वजह से बहुत सारे इवेंट्स जो थे वो नहीं होते थे. स्टार परिवार काफ़ी सालों के बाद आया है और मेरी शुभकामनाएँ हैं स्टार को, स्टार परिवार को. स्टार परिवार से हमारा रिश्ता हमारे पहले साल से है. 2001 में जब ITA का पहला अवार्ड हुआ था तो उसका टेलीकास्ट भी स्टार का हुआ था, और आज 23 ईयर्स लेटर ऑल्सो टेलीकास्ट जो है वो स्टार पर ही हुआ.